गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग असेंबली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि ये फुट स्टेप बेयरिंग है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि असेंबली थोड़ी बड़ी पड़ जाएगी, तो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, असेंबली को हम एक मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा, होता क्या है वो चीज़ उसको समझ लीजिएगा पहले, लेकिन ये क्वेश्चन अपन समझते हैं क्या है। देखिए, असेंबली में हम सबसे पहले सबसे बड़ा पार्ट उठाते हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट हमारा, देखिए, पूरे डायग्राम में ये है, ठीक है। उसी का टॉप व्यू ये है। फिर देखिए, यहाँ पे एक होल है 62 का, 62 का होल देखिए यहाँ पास भी है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा इसमें आके असेंबल हो जाएगा, और उसके ऊपर ये चीज़ असेंबल हो जाएगी, ठीक है, शाफ्ट। तो ये असेंबली तो सबसे सरल वाली असेंबली है फ्रेंड्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमको ये सबसे पहले कितनी लेंथ दी हुई है, 184, ठीक है, 184 लेंथ दी हुई है। तो हम 18.4 की एक लाइन खींचेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन को मैं आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो बाकी आप लोग क्यूबी वगैरह जिससे भी पढ़ते हैं तो उसमें वो क्वेश्चन होगा, केवल डायमेंशन चेंजेस होंगे, ठीक है। तो आपको मैं ये बता दे रहा हूँ। तो हम सबसे पहले 18.4 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 18.4 का मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। मैंने एक 18.4 की एक लाइन ड्रॉ कर ली। देन उसके बाद क्या करेंगे कि हमको दिया है, देखिए, ये 16 mm ऊपर, 16 mm ऊपर, देन 3 mm ऊपर है। तो 16 mm ऊपर के साथ साथ देखिए इसमें 4 mm का टेपर है, तो 4 mm का टेपर दोनों साइड होगा। तो 16 से मैं अपन हम 16 mm ऊपर चले जाते हैं पहले। तो ये 16 mm ऊपर चले गए। 16 mm ऊपर जाने के बाद यहाँ से 4 mm हम टेपर के लिए छोड़ देते हैं, ये 4 mm छोड़ दिए। सेम चीज़ इधर भी करेंगे, 16 mm ऊपर गए और यहाँ से 4 mm का हमने ये टेपर छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको मैं मिला देता हूँ। देखिए, इसको मैं यहाँ से ये मिला दिया, यहाँ से देखिए ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा दिया है इसमें कि इस चीज़ को हम यहाँ से 16 mm का ये पूरी एक लाइन दी हुई है पूरी, ठीक है। तो इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं, हल्के हाथों से कर लेंगे, अगर उसका काम नहीं होगा तो हम उसको डेल भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ये देखिए हल्के हाथों से कर दिया। देन उसके बाद देखिए, ये हमारा ये साइड से 16 mm इधर भी छोड़ा है, 16 mm इधर भी छोड़ा हुआ है। तो 16 mm इधर से हमने छोड़ दिया, ये 16 mm, ये इधर से 16 mm ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या बोला है कि 3 mm का हमारा यही वाला पार्ट ऊपर भी गया है, 3 mm। तो ठीक है, 16 mm, 3 mm हम ऊपर भी चले जाएंगे इसी से। तो ये लाइन हमारी जो है 3 mm ऊपर भी जाएगी, ये 1, 2, 3 ये हो गई। यहाँ से 3 mm ये हो गई, ठीक है। अब तो क्या करेंगे कि अब देखिए, ये जो अपनी लाइन है ये कितने की है, 92 की है। 92 का हाफ कितना होता है, 46, और 184 का हाफ होता है 92। तो 92 में तो मैं पहले सबसे पहले क्या करूँगा, सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूँगा। 92 mm में मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये देखिए, एक सेंटर लाइन, लाइन डॉट सेंटर लाइन हमारी कैसे होती है, लाइन डॉट होती है, ठीक है। ये मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। देन इसके बाद क्या करेंगे कि 92 mm हमको वो करना है। तो 92 हम कैसे करेंगे, 46 लेंगे, 46 दोनों साइड ले लेंगे। तो ये 46 इधर ले लिए, ये 46 इधर ले लिए, ठीक है। तो 92, अब इसके बाद ये हाइट कितनी टोटल, तो ये हाइट देखिए आपकी 11, 35, 13। तो 35, 5, 3, 8, 1, 9 और 3, 1, 4, 1, 5, 59, 5, 3, 8, 1, 9, 59, ठीक है। तो 59 यहाँ से हमको ऊपर जाना है,
तो यहाँ से 59 mm हम ऊपर चले जाएंगे, मतलब 60 से थोड़ा एक कम, ठीक है, 60 से एक कम चले जाएंगे ये, ठीक। देन उसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि इसके अंदर देखिए ये 62 का है, तो यहाँ से मैं ये देखिए ये 62 का है, तो 62 का है तो 31 दोनों साइड लेंगे। फिर देन उसके बाद ये कितने mm तक है, 11 mm तक, 11 mm तक मेरा कितना है, 11 mm तक मेरा है 62। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 31 यहाँ से 31 मुझे लेना है, ठीक है, ये यहाँ मार्क कर लिया, यहाँ से मैं 31 लेना है मुझे, तो ये मैं 31 इधर ले लिया, ये देखिए 31 ये, ठीक है, 31 इधर ले लिया और 31 62, तो ये हो गए 31 का ये, ये हो गया 31 का, ठीक है। अब इसके बाद इसके जस्ट नीचे हमारा ये 64 का है, तो 64 का है 35 mm तक, तो अब यहाँ से क्या होगा कि 64 के लिए 32 करना होगा और 35 mm, तो ये देखिए यहाँ से मैं 35 mm यहाँ तक होगा, अब यहाँ से मुझे कितना 32 लेना है, 64 है तो 32 ये ले लिया मैं 32, ये हो गया। अब सेम चीज़ मुझे इधर भी करनी होगी, तो ये देखिए आपका ये यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से मुझे कितना लेना होगा 32, ये 64 है तो ये यहाँ ये आ गया, ठीक है, तो ये यहाँ से 35 mm ये चला गया, देखिए, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से इसे ये मिला दूँगा, ये हो गए, इधर से इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है देखिए, फिर हमारा 62 का है, तो 62 का है तो ये देखिए यहाँ से ये मिल गया, इसको मैं यहाँ करूँगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको भी मिला लीजिए, ये ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा ये देखिए यहाँ पास 3 mm का ये लाइन था, तो ये 3 mm वाली लाइन को हम इसमें टच करा देते हैं, ठीक है, ये हो गई, और इधर से इसको भी टच करा देते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारा ये वाला पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इसमें जो डॉट वगैरह है ये सर्कल का वो अपन कर ले, पहले बड़े बड़े पार्ट को हम असेंबल कर लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट आता है हम इसके अंदर, देखिए 62 का होल है, 62 का होल देखिए यहाँ पे भी है, 62 का होल पे ये चीज़ असेंबल होगी, तो देखिए 35 10, तो देखिए 35 और ये कितना है 13 वाला है पार्ट, ठीक है, तो 35 10 11, तो 35 11 वाला पार्ट तो सेट हो जाएगा, लेकिन हमारा जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा कि जो हमारा है वो 12 mm के गैप होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम 12 mm देखिए ये छोड़ देंगे, तो 35 वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, 11 वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, देन उसके बाद क्या है 10 वाला पार्ट और 6 वाला पार्ट इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने के लिए देखिए जो ये 6 वाला पार्ट है, ये जो 6 वाला पार्ट है इसकी डायमेंशन कितनी 84 है, ठीक है, और जो सबसे छोटा वाला है मतलब ये वाला पार्ट ये कितने का है, ये है आपका 544, मतलब ये 22 का है, 22 रेडियस का है मतलब, और ये अंदर वाला कितने का है 60 का है, ये 62 का है, तो 62 वाला तो इसमें सेट हो जाएगा, 60 वाला इससे इधर आएगा, तो देखिए 60 वाले के लिए क्या करेंगे अपन 30 लेना होगा, तो देखिए 30 लेने के लिए अपन को इधर थोड़ा सा ये ऐसे आएंगे लगभग एक ये ऐसा, ठीक है, सेम चीज़ इधर भी होगा,
एक मिनट देखिए, यहाँ पे भी होगा तो ये ठीक है, यहाँ से ये इधर, ये चीज़ यहाँ हो जाएगी, ये ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद क्या करना है हमने को कि आपका ये पार्ट बन गया। इसके बाद जो है, हालांकि ये इतना गैप नहीं आएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा कम आएगा क्योंकि ये 31 ये यहाँ इतना आएगा हल्का हल्का, ठीक है। तो इसको आप हम लोग सुधार लेंगे थोड़ा सा। फिर आपको ये क्या करना है इसमें कि ये 62 के ऊपर ये वाला अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 10 mm ऊपर जाना है, लेकिन उसका डायमीटर कितना है, 75 है। तो यहाँ से मैं 37.5 लूँगा, 37.5 अप्रॉक्स 38 लूँगा, और कितने एम एम ऊपर जाऊँगा, 10 mm, ठीक है। ये गया 10 mm ऊपर, और ये 75 में ये यहाँ से भी 10 mm ऊपर जाऊँगा मैं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से 10 mm ऊपर जाऊँगा तो देखिए कुछ ये ऐसे बनेगा 10 mm। फिर उसके बाद 6 mm ऊपर जाके कितना लेना है मेरे को, 84 का, तो मतलब 42 42। तो ये हो गया, रुक जाइए, ये 42, ठीक है, ये 42 हो गया, और 6 mm ऊपर जाना है मुझे, ये 6 mm ऊपर चला गया, ठीक है। अब सेम चीज़ इधर भी होगी, एक मिनट एक्चुअली उसमें ये 10 mm ऊपर चले गए। देन उसके बाद हमको इधर कितना जाना है, 5 mm इधर चलेगा, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हमको कितना जाना है, 6 mm ऊपर जाना है ना, तो 6 mm हमारा ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है फिर, अब देखिए ये वाला पार्ट को भी हमने बना लिया, सेकेंड पार्ट को भी। अब इसके ऊपर हम इस पार्ट को असेंबल करेंगे, ये वाले को। तो देखिए ये 44 वाला है, तो 44 वाला तो इसमें चला जाएगा, और इसके बाद ये कितने का है, 58 का है। तो 58 का है तो हमको पता है कि 58 का कहाँ से होगा, और इसकी हाइट कितनी है, 68 है। तो 68 है और 44 का होल पे जाना है इसे। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से 68 तो अब फ्रेंड्स हम इस पार्ट को असेंबल करेंगे जिसमें 544 है, ठीक है, 68 हाइट तक है, 544 है, 68 हाइट तक है। मतलब इसका क्या होगा कि ये 22 22 का होगा, होगा ना, 22 22 सेंटर से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आधा आधा। तो देखिए 22 मैंने ये 22 इधर ले लिया, एक पॉइंट मार्क कर लिया, इधर 44 पे पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। अब मुझे कितना अंदर आना है, 68। तो देखिए मेरी जो मेन लाइन है वो ये यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से मैं लगभग 6 mm गैप दे के रखेंगे, क्योंकि गैप क्लियरेंस के लिए देंगे कि हमारा कोई भी पार्ट उससे टच ना हो, और उस पर घर्षण के कारण वो पार्ट हमारा डैमेज ना हो, ठीक है। तो 6 mm का हम यहाँ से 6 mm का गैप देंगे, ठीक है। तो 6 mm का यहाँ से ऊपर हम 6 mm चले जाते हैं, यहाँ से हम 6 mm ऊपर जाने के बाद ये आया 6 mm से कितनी हाइट दी हुई है क्वेश्चन में हमको, 68 नीचे आएंगे, यहाँ से 68 नीचे आते हैं, तो ये हो गया हमारा ये 68, ये आ रहा है यहाँ पे कहीं पे। अब इसको देखिए मैंने 22 वाला ये मार्क किया था, इसको मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, ये ठीक है, यहाँ से ये और यहाँ से ये 44 में। अब इसको मैं 68 तक लेके चला जाता हूँ, यहाँ से भी 68 ये लेके चला गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद हमको देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो इसके ऊपर का ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये 58 का है। तो 58 का है मतलब क्या होगा इसका, इसको अब ये वाले पार्ट को यहाँ टच करा दो, ये हो गया है ना। अब इसको क्या करेंगे हम कि ये 58 वाले 58 का बनाना है, तो 29 29 दोनों साइड लेंगे,
ठीक है लेंगे। तो इसको सेंटर लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, ये सेंटर लाइन हमारी आगे बढ़ गई लाइन डॉट लाइन। अब यहाँ से क्या करेंगे 29 हम देखिए इधर भी चलेगा, 29 इधर चलेगा, 29 इधर चलेगा, 58 ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग को पता है कि शाफ्ट जो होती है शाफ्ट वो हम 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ लेते हैं उसकी, 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ लेते हैं, तो मैं ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर ठीक है। एक मिनट, शाफ्ट की लेंथ हम कितनी ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया, इधर भी मैं ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर के लगभग, सॉरी 2 सेंटीमीटर ठीक है, मैं 2 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग में ऊपर जगह है नहीं ठीक है। आप 2.5 भी ले सकते हैं, ये कर दीजिएगा ये ठीक, और यहाँ से ऐसे ये इसको 45 डिग्री पे ऐसे वो कर दीजिएगा स्केचिंग, ये हो गया आपका, ये शाफ्ट बन के रेडी हो गया। तो इसका देखिए फ्रंट व्यू वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज़ और बच रही है, मैं बता रहा हूँ क्या बच रहा है इसमें। देखिए ये हमारा 3 mm का 16 mm के ऊपर 3 mm वाला ये बच रहा ना, तो ये 13 mm बोल रहा, सेंटर से कितना लेंगे, सेंटर से 6.5 6.5 लेंगे, तो ये देखिए 13 हो गया। अब ये 13 को कितना mm ऊपर उठाना है, 3 mm ये ऊपर उठाए, यहाँ से भी 3 mm ऊपर उठा लीजिए, ये हो गया। अब इसको कहाँ तक 16 पे अपन ने मार्क किया था, ये 3 mm गए, और इसको यहाँ से ये मिला दीजिए, ये हो गया। सेम चीज़ इधर भी करिए, ये 3 mm यहाँ से ऊपर जाइए और इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके पास देख लीजिए आपको और कौन सा पार्ट बचता है, और आई थिंक इसमें अब कोई भी पार्ट नहीं बच रहा, हमने इसका फ्रंट व्यू रेडी कर दिया। अब बचती है बात टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू फ्रेंड्स इसी के बाद जस्ट सेकेंड वीडियो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एमबी की हो जाएगी, तो दूसरे पार्ट में इसका टॉप व्यू बना देता हूँ, तो इसके बाद ही जस्ट देख लीजिएगा, मैं इसको मतलब वो दूसरे पार्ट में दिखेगा लेकिन